कभी सुख तो कभी दुख, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसी ही है जिंदगी। लाइफ इज फुल ऑफ सरप्राइजेस एंड चैलेंजेस, बट एज दे से द शो मस्ट गो ऑन, नथिंग शुड स्टॉप एंड नथिंग नेवर स्टॉप्स। देयर कम्स अ पॉज, एंड वो पॉज शायद जरूरी भी होता है, बट वी शुड नो हाउ टू रीस्टार्ट एट एवरी स्टेज एट एवरी एज। Namaste, I'm Shubhi Mathur and I welcome you all to yet another episode of Let Us Talk. Today we have with us Mrs. Shilpa Talati. Welcome Shilpa ji, welcome on Let Us Talk. Thank you Shubhi, thank you very much. Namaste. Shilpa ji, first let me share with our viewers that what got me you to our channel. I was told by our daughter that आपने एनएलबी की पढ़ाई करी आफ्टर द एज ऑफ 50, जर्नलिज्म करा, योगा कोर्स करा, एंड आई वाज लाइक इतना डाइवर्स प्रोफेशनल बैकग्राउंड आफ्टर द एज ऑफ 50 मैंने तो बहुत कम लोगों का सुना है, सो आई हैड टू हैव यू ऑन द चैनल। सो शिल्पा जी, ये जो कहते ना करने की चाह होती तो सब में है, बट देन सबको लगता है अब बहुत हो गया, एंड आपका एक्सपीरियंस बहुत डाइवर्स रहा है। जब आपसे बात हुई तो पता चला कि आप टेलीफोन एक्सचेंज में भी काम कर चुके हैं, आप टीचिंग का भी कुछ कर चुके हैं, एंड देन आपने लॉ करा, जर्नलिज्म करा। तो टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ कि इतनी वेरिड चीजें आपने कैसे करी एंड व्हाट मोटिवेटेड यू। पहले तो मैं ये बताऊंगी कि मेरे पापा ने बचपन से हमें ये सिखाया है कि लड़कियों को इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। तो मेरी बुआ को वो टाइम पे एलएलबी किया और मेरी दूसरी बुआ ने बीकॉम किया, जबकि कॉलेज में एक ही लड़की बीकॉम कर रही थी, और उन्हों दोनों ने गवर्नमेंट जॉब में बहुत आगे की पोस्ट में काम किया, और अभी तो दे आर रिटायर्ड नाउ एंड दे आर 80 इयर्स ओल्ड। सो दे वेर द फर्स्ट, मुझे इंस्पायर करने में वो लोग का पहला हाथ है। उसके बाद में मैं खुद, मेरा खुद का एंथुजियाज्म वो इतना था, मैं छोटी थी तो वॉलीबॉल प्लेयर थी, गुजरात स्टेट को मैं गुजरात स्टेट की टीम में मैं खेलती थी। फिर पढ़ाई के बाद में मैंने एक जॉब ले लिया, क्योंकि पापा को तो लगता था फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना ही चाहिए। पर शादी के बाद में मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं भाई, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, पर फिर भी मुझे ये नाइट शिफ्ट वाला जॉब पसंद नहीं है, मैंने छोड़ दिया। क्या बात है, इसमें कुछ नया करेंगे। और उसके बाद में मैंने नेशनल सेविंग का काम किया, फैशन डिजाइनिंग का 30 साल के बाद पढ़ाई किया, उसके बाद में मैंने फैशन डिजाइनिंग का बहुत सारा काम किया, एक्सपोर्ट का ऑर्डर लिया, खादी ग्रामोद्योग का काम किया और बहुत एंजॉय किया। पर मेरी डॉटर, उसकी 10th 11th 12th की पढ़ाई शुरू होने वाली थी, तो उसने बोला मामा क्यों ना मेरे साथ पढ़ाई करती है। मैं सोच रही थी कि मैं क्या पढ़ाई करूं, फिर मैंने मेरी डॉटर के साथ मैंने सोचा लॉ तो कर सकती हूँ, मैंने लॉ का स्टार्ट कर दिया एट द एज ऑफ 45 और 45 को मेरा लॉ खत्म हो गया, और मैंने उसके बाद में जर्नलिज्म भी किया, उसके बाद में मैंने योगा टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स किया। तो योगा टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स करने से मुझे ऐसा लगा कि हाँ, जो मैं करना चाहती थी ना शायद यही है। तो मैंने, मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन हो गया कि हाँ, मैं योगा ही करना चाहती थी, और योगा में मैंने मेरा लॉ का जो सिखा हुआ था टू कन्विंस पीपल एंड टू काउंसिलिंग पीपल, और दूसरा मैंने जर्नलिज्म शायद सीखा था कि मैं कैसे अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करूं। तो ये दोनों को सबको मिला के ना मैंने योगा में बहुत अच्छा काम किया, एंड कॉग्निजेंट जैसे कॉर्पोरेट कंपनी में भी मैं योगा सिखाने जाती थी, एंड आई रियली एंजॉय दैट। और साथ साथ में मैं संगीत भी सीखती थी, और मुझे लगता था कि मुझे आता नहीं है इतना अच्छा गाने का, पर फिर भी मुझे लगता था कि गाना चाहिए, हैप्पीनेस मिलती है, कुछ करने का एक सुकून मिलता है।
तो मैं ये सब भी करती थी। जब मेरी डॉटर, दी सेकेंड इंस्पिरेशन वॉज माई डॉटर, ये तो हो गया मेरा एंथुजियाज्म। फर्स्ट वॉज माई बुआ, देन सेकेंड वॉज माई ओन एंथुजियाज्म, एंड द थर्ड वॉज माई डॉटर। शी वॉज माई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, एंड शी ऑलवेज बिलीव दैट मम्मा यू कैन डू सम, कैन डू समथिंग। सो उनकी इंस्पिरेशन से मैं सब कुछ किया करती थी, तो ये हो गया। और हस्बैंड का सपोर्ट तो था ही था, और सबसे बड़ी भगवान की इच्छा, उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो और सरकमस्टेंसेस भी भगवान ही हमारे लिए जगाते हैं। तो शिल्पा जी आपने सही कहा है, बचपन से ही जो पेरेंट्स हमारी कंडीशनिंग कर देते हैं ना, जैसे आपके फादर ने डाला हुआ था कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज अ मस्ट, वो ना एक हमारी लाइफ लॉन्ग हमारी वही कंडीशनिंग, वही वैल्यूज हो जाती हैं। एंड यू आर लकी कि आपको इतने लोगों का सपोर्ट मिला अपनी फैमिली में, एंड आगे से आगे आप में भी ना वो करने की इच्छा थी, एंड दिस इज समथिंग वेरी मोटिवेटिंग। और आप अपने लिए सही कहती हैं कि मैं दरिया हूँ, मैं रुकूंगी नहीं, और लाइफ के इतने दौर में आपने इतनी चीजें कर ली। पर मैं ये पूछना चाहूंगी कि इतनी वैरायटी कैसे लाएं, अगर आप फैशन डिजाइनिंग कर चुकी थी, एक्सपोर्ट हाउस में भी थी, तो कई बार होता है ना लोगों को लगता है कि हम उसी नॉलेज को अपग्रेड करें, बिजनेस टाइप्स करें, तो लॉ, जर्नलिज्म, योगा तीनों ही बहुत डिफरेंट चीजें हैं, तो ये कैसे आया कि मैं अलग अलग चीजें करूँ। कई लोग क्या होता है ना, एक ही स्किल को अपग्रेड करते हैं, उसी में ही लगे रहते हैं, तो इतना वैरायटी करने का आपको कैसे आया? एक्चुअली सर्कमस्टेंसेस आते गए, वैसे वैसे मैं अपना पानी का रास्ता बदलती रही। मुझे स्ट्रेगनेंट तो नहीं रहना था, मुझे तालाब का पानी नहीं बनना था जिसमें बदबू आ जाती है, पर मैंने नदी की तरफ बहना ही चालू रखा। तो अभी बच्ची को बड़ी करना था, फैमिली को देखना था, सबसे प्यार करना था, जॉइंट फैमिली थी, तो ये सबके साथ रहते 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 भी मैं चलो ये नहीं ये कर लूँगी, ये नहीं वो कर लूँगी, पर मैं रुकूंगी नहीं। तो ये जो मेरे दिमाग में था, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सीखना मिलता ही है, तो ऐसा नहीं है कि चलो एक ही काम में मैं आगे बढ़ूंगी, वो ही करती रहूंगी, उसी में मुझे आगे बढ़ना है, तो वहाँ पे रुकावट आई गई तो मैं दूसरी तरफ चली जाती थी। मैं आकाशवाणी में भी योगा के लिए बहुत सारे लेक्चर्स दिए हैं, और मैंने मुंबई समाचार प्रेस में भी काम किया है, दिव्य भास्कर के साथ भी बहुत काम किया है। पर कभी ये फीलिंग नहीं आई कि बहुत हो गया, थोड़ा ब्रेक ले लूं, या लोग नहीं कहते थे कि भाई होता है ना फैमिली में जो थोड़े बड़े बुजुर्ग होते हैं कि अब छोड़ दो, अब तुमने बहुत कर लिया, अब रुक जाओ, कभी ये सुनने को नहीं मिला आपको? हाँ सुभी, आपकी बात बिल्कुल सही है। मेरे आसपास वाले लोग मुझे बताते थे कि क्या यार तेरा हस्बैंड इतना कमाता है, मस्ती से जीना, एंजॉय करना लाइफ, तैयार होके ना सबके साथ घूम, ये कर वो कर। नो, बट माई एंथुसियाज्म वाज अनदर लेवल, आई वॉज नॉट लाइक दैट। सो मैंने कुछ ना कुछ करते रहने का थाम लिया था, और मैं करती रहती थी, पर एक ब्रेक आ गया क्योंकि मेरी ग्रैंड डॉटर्स मेरे साथ है अभी, तो किसी नहीं रोक, कोई नहीं रोक पाया, पर मेरी ग्रैंड डॉटर की वजह से मैंने ब्रेक लिया है। मैं रुकी नहीं हूँ, पर मैंने ब्रेक लिया है। इतना कई बार ये पॉज भी जरूरी होता है, बट उसके बाद वापस से रीस्टार्ट करना मेरे ख्याल से वो उससे ज्यादा जरूरी होता है। और आजकल हमारी टॉक्स में हम यही बात करते हैं कि पॉज एंड रीस्टार्ट, एंड कई बार लोगों को लगता है पॉज मीन्स स्टॉप, इट इज नॉट दैट, इट इज जस्ट अ पॉज, इट इज अ ब्रेक, यू आर एंजॉइंग योर टाइम विद योर ग्रैंड डॉटर्स। आई नो ये शूट करने के लिए भी हमें यही था कि अरे आज छुट्टी है, आज वो लोग घर पे होंगे, लेट अस डू इट एट द टाइम व्हेन दे आर नॉट हियर। या तो और लाइफ में ये टाइम वापस नहीं आने वाला है, क्योंकि ईश्वर ने मुझे तन मन धन सब कुछ ऐसा दिया है कि मैं कैपेबल हूँ मेरे बच्चे लोग को रखने के लिए, और कोइंसिडेंटली मेरी डॉटर भी नियर बाय है, तो ऐसा सिचुएशन भी भगवान ने मेरे लिए दिया है। तो अभी मैं ये काम नहीं करूँगी तो मैं ईश्वर की गुनहगार भी हो जाऊँगी, तो इस तरह से मैंने थाम लिया कि नहीं मुझे ये भी करना है, क्योंकि जैसे मेरी डॉटर ने मुझे सपोर्ट किया तो मैं भी उसका स्ट्रॉन्ग बैकबोन बनूंगी।
तो वो हिसाब से मैंने भी ये, पर डेफिनेटली आई विल स्टार्ट अगेन माई योगा क्लासेज एंड आई विल गो अहेड विदाउट रुके बिना, बिकॉज दैट्स माई लाइफ. मैंने सबसे प्रेम किया है, सबसे प्रेम करती हूँ, पर मैं अपने आप से बहुत प्रेम करती हूँ. I love you, Zindagi. Inspiring. That is so motivating. And मुझे एक चीज और बताइए, जब आप 50 के बाद ये क्लासेस कर रही थी जर्नलिज्म की, लॉ की, तो आपके जो बाकी क्लासमेट्स थे वो तो आई एम श्योर यंग होंगे, या आपके एज ग्रुप के भी थे कुछ लोग? सुभी, कोई कोई लोग डॉक्टर्स भी थे जो मेरे से भी बड़े थे. ओह वाओ. जर्नलिज्म में दो तीन लोग मेरी उम्र के थे, बाकी के सब छोटे छोटे थे. पर एक्चुअली ना, यंग पीपल के साथ काम करना, कुछ नया सीखना, ये सब बातें भी मिल जाती है. पर अपना कदम बाहर रखो तो, आपके कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते तो हमें कुछ नहीं मिलता है. तो मैं सबसे मिलती रहती थी, यंग जनरेशन से भी बात करती रहती थी, वो लोग भी मुझे देखकर इंस्पायर होते थे और मुझे भी बहुत अच्छा लगता. तो जो ये आपने कंफर्ट जोन की बात करी ना, कुछ टाइम पहले हमने इसमें एक सीरीज करी थी एंड कि इसका कंक्लूजन यही था कि लाइफ में अगर कुछ करना है ना तो ये इनर्शिया तोड़ना होगा, ये कंफर्ट जोन से बाहर आना ही होगा और तभी कुछ हो पाएगा. तो आप गुजरात से थे, आपकी शादी हुई, यू केम टू बॉम्बे एंड टच वुड एवरीथिंग वाज स्मूथ, वेल सेटल्ड. तो कभी वो कंफर्ट जोन नहीं आया कि यार मैं भी, जैसे आप कहते हो मेरे फ्रेंड्स ने कहा है कि मजे से रहे वो कर, तो कभी लाइफ में नहीं आया कि बस अभी नहीं, मतलब बस अब क्यों करना है, क्यों करूं? कभी लाइफ में वो कंफर्ट जोन में आप ट्रैप नहीं हुए? मेरा कंफर्ट जोन राइट फ्रॉम द बिगिनिंग था, पर मुझे लगता था कि ये कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये कंफर्ट जोन की वजह से मैं एक तालाब का पानी बन जाऊं. मुझे ऐसे फूल की तरह खिलना था, मुझे बहुत कुछ सीखना था, बहुत कुछ जानना था, और ये एंथुसियाज्म की वजह से मैं मेरे कंफर्ट जोन को भी एंजॉय करती थी. ऐसा नहीं है कि क्योंकि अभी शादी में जाते हैं तो अच्छे कपड़े पहनने पड़ते, कोई डेथ हो गई तो वाइट कपड़े भी पहनने पड़ते. तो ये बात है कि जहाँ जैसा, मतलब कम्फर्ट जोन भी एंजॉय करती थी. और इसके साथ साथ मैं ना, मेरा ये सब पढ़ाई वगैरह भी करती थी, रात को जग जग के पढ़ाई करती थी, इवनिंग क्लासेस पढ़ती थी, और अपने लाइफ में जहाँ जैसे जगह मिल जाती है वैसे मैं अपने आप को सेटल कर देती थी. इतना दिस इज सच अ इंस्पायरिंग मैसेज एंड फॉर एवरीवन, फॉर द यंगर जनरेशन, की शुरू से ही अपने दिमाग में रखो कि भाई हमें लगता है ना कि अभी हमने बहुत जॉब कर लिया, 10 years हो गए, 15 साल हो गए या 20 साल हो गए, बहुत मेहनत हो गई. कई बार मुझे भी लगता है अरे कब तक, एंड दिस इज सो इंस्पायरिंग कि दिस इज लाइफ, ये चलता रहेगा. अपने आप को कम्फर्ट जोन में शुरू से ही सोच के रखो, ट्रैप नहीं होना है. एंड फॉर द सीनियर जनरेशन की रुको मत, वरना आप तालाब का पानी बन जाओगे. इट इज अ वेरी पॉजिटिव नोट. एंड इस तरह से आपने लाइफ को, यू नो, यू टुक लाइफ एज इट केम, आप उसी पहाड़ से पानी की तरह बहते गए कि यू वर ओपन टू टेक अ ब्रेक, कि भाई अब मेरे ग्रैंडडॉटर्स हुए हैं, दिस इज द टाइम, दिस इज अ प्रेशियस टाइम ऑल्सो, सो आई नीड टू बी विद देम. तो यू डिडंट हैव दैट मेंटल ब्लॉक ऑल्सो कि नहीं, मतलब कई लोग में ना हो जाता है कि अरे आई हैव टू डू, आई हैव टू डू, उस पे वो अपनी पर्सनल लाइफ को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करते हैं. यू केप्ट अ परफेक्ट बैलेंस. शिल्पा जी, आपसे बात करके ऐसा लगा है कि लाइफ इज सो स्मूथ, सो एफर्टलेस, सो सिंपल. एंड एक्चुअली होता भी यही है कि वी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ हमें भगवान देता है कि ठीक है अप्स एंड डाउन होंगे, हम ही कई बार ना बहुत उसको कॉम्प्लिकेट कर देते हैं. एंड आपने इतनी स्मूथ, इतनी एफर्टलेसली अपनी जर्नी शेयर करी है, बट क्या कुछ भी कभी चैलेंजेस नहीं आए, कभी ऐसी सिचुएशंस नहीं आई जब आपको लगा हो कि अब नहीं, अब रुक जाऊं या कैसे करूं? कभी कुछ चैलेंजिंग टाइम्स नहीं थे आपके लाइफ में? नहीं आते, ऐसा तो होता नहीं है किसी की लाइफ में कि चैलेंजेस नहीं आती है. जब मैंने लॉ किया, प्रैक्टिस किया, तभी भी बहुत सारी चैलेंजेस आई. जब मैंने मुंबई समाचार प्रेस ज्वाइन किया, तभी भी बहुत सारी चैलेंजेस आई. जब योगा इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, तभी मैं पालटी मार के बैठ ही नहीं सकती थी. मैंने हंसा जी को बोला कि मैडम I'm not going to pay my fees because ये difficulty है. तो हंसा जी ने बोला कि देख,
अभी तू फीस नहीं भरेगी तो चलेगा, पर पालकी तो मार के ही छूटेगी इधर से। सो चैलेंजेस तो आती, और मैंने वो कोर्स खत्म भी किया, वहाँ पे बहुत काम भी किया इंस्टीट्यूट के साथ, पर चैलेंजेस आती है तो मैं चैलेंजेस के साथ कैसे रास्ता निकालूं। चैलेंजेस से डर के न रुक गई, चैलेंजेस से डर के मैं थम गई, ऐसा नहीं हुआ। मैं अपना रास्ता निकाल के, हर प्रॉब्लम को ना, हर क्वेश्चन को आंसर होता है, राइट? तो मैं यही सोचती हूँ कि ये प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन तो होगा ही होगा, ये इस क्वेश्चन है उसका आंसर तो होगा ही होगा। इधर से रास्ता बंद हो रहा है वो नदी को ना, इधर और से रास्ता मिल ही जाता है। तो कितनी भी चैलेंजेस आई पर मुझे अपना रास्ता मिल जाता, मैं ढूंढ लेती थी। शिल्पा जी, योर जर्नी इज वेरी इंस्पायरिंग, पॉजिटिव एंड मोटिवेटिंग। इट रियली यू नो रीइंफोर्सेस की हैव क्लियर इंटेंशंस, हैव प्योर इंटेंशंस, बी हार्ड वर्किंग, बी ओपन रिसेप्टिव, एंड लाइफ इज सिंपल, लाइफ इज स्मूथ, एंड देर इज सो मच टू लर्न इन इट, नेवर स्टॉप लर्निंग। थैंक यू शिल्पा जी फॉर शेयरिंग दीज पर्ल्स ऑफ विजडम विद आवर व्यूअर्स। थैंक यू वेरी मच। अंत में मैं ये कहना चाहूंगी कि सब कोई सब कुछ कर सकते हैं, कोई जन्म से सीखे नहीं आते, पर जैसे जैसे सीखते जाओ ना आपको आगे आगे रास्ता मिल जाता है। तो जिंदगी में कुछ ना कुछ करते रहना, कुछ ना कुछ सीखते रहना, ये मेरा एक मैसेज है आप सबको। नमस्कार। थैंक यू।